दिस वन नॉर्थ कार्टव ब्यूटिफुल्मा डिप्रेशन कर रहे हैं क्या कर रहे हो डेकोरेशन में बताओ सर आप मुझे ये हमने अच्छा अब आज वैसे तो ये मेरा बर्थडे है लेकिन ये हो रहा है मेरी बेटी के हिसाब से डेकोरेशन वगैरह सब इसको चाहिए था इसलिए इसके रूम में हो रहा है किड्स रूम में ओके। okay. माँ गले को कोई भी जलाना मत, ठीक है? नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कब हुई, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। एक्चुअली बर्थडे तो मेरा था, बट मुझसे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड मेरी डॉटर थी। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है मोस्टली मुझे लगता है जहाँ बेटियाँ हैं वो होती ही चीज़ें हैं क्योंकि बेटियाँ होती ही बहुत प्यारी हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे बर्थडे को डेकोरेट कर में डेकोरेशन को लेकर बहुत चीज़ों को लेकर शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर मम्मा मुझे ये करना है मम्मा मुझे ये करना है मतलब मैं तो ध्यान ही दे रही थी चीज़ों को हटा हटा के रखा हुआ था मैंने बट उसे याद था कि कुछ चीज़ें कहाँ कहाँ हैं तो और उसने अपने रूम में ही करवाया मैंने बलून्स हटा दिए थे बड़े वाले बर्थडे वाले और किसी तरह उसने शी मैनेज टू तो फाइंड सम कलर बैलू कलरफुल बैलून जो कि हम होली में यूज़ करते हैं वाटर के लिए और मुझे फाइनली वही करके रखना पड़ा यहाँ पे बट थैंक्स टू हर अलॉट देखिए उसने मेरे लिए इतना प्यारा सा कार्ड बनाया ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरी बेटी ने पहली बार मेरे लिए कार्ड बनाया था बर्थडे पे जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है और वो सब कुछ चीज़ें सीख रही हैं बना रही है और बहुत स्पेशल था थैंक्स टू माय हस्बैंड एंड हर दैट द डे वॉज़ वेरी स्पेशल मेरी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को थैंक यू आप सबको थैंक यू बर्थडे के लिए मेरे विशेज करने के लिए बट स्पेशल थैंक्स कोई और कोई और है जिसको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ टू टू द लॉर्ड टू द गॉडस टू द यूनिवर्स जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी बेटी ब्लेस किया थैंक यू सो मच और ये सबसे प्यारा गिफ्ट है मेरे बर्थडे का आई थिंक ये सारी मॉम्स के लिए होता है जो बच्चे होते हैं उनके सबसे बेस्ट एंड प्राइस लेस गिफ्ट होते हैं केक तो मैंने घर पे ही बनाया था और ये देख रहे हैं मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा ड्रेसड है उसने एकदम नई वाली ड्रेस अपनी निकाली है और बोली मम्मा मुझे अच्छे से तैयार कर दो और मैंने तो बस क्योंकि ऐसे ही हो गया था कि बाहर भी हम नहीं जा सकते थे शी वॉन्टेड टू तो गो आउट रेस्टोरेंट फॉर द डिनर बट बारिश हो रही थी इनफैक्ट गॉड भी मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे तो मुझे एक बहाना मिल गया कि चलो ठीक है अब घर पे ही रह लेते हैं और जिस तरह की ड्रेस मेरी डॉटर ने पहना था हम बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे उस ड्रेस में उसको लेकर तो मैंने कहा चलो ठीक है वैसे भी सुन कैंडल लाइट डिनर भी करना होता है तो हमने कहा घर पर ही हम कर लेते हैं कैंडल लाइट डिनर में मतलब हम जन बेसिक स्टील लाइट कैंडल्स जला लेते हैं और हमने डिनर की बाहर से ऑर्डर किया मंगाया और हमने खा लिया और सब ने खूब सारे बैलून्स मेरे ऊपर उड़ाए और ब्लास्ट किया और इस तरह से हमने बहुत अच्छे तरीके से घर पे ही रहकर मना लिया अपना बर्थडे